मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन हम ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट में से हैं, तो ट्रेडिशनल बुद्धिस्टों का एक जो रवैया है देखे हैं, वो लोग ज़्यादातर पूजा पाठ की तरफ ध्यान देते हुए इस सब में उतना ख्याल रखता नहीं है। अभी अभी हम कलकत्ता में बातें किए थे, तो वहाँ का यूनाइटेड बुद्धिस्ट वेलफेयर मिशन बल के एक तो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। दार्जिलिंग होते हुए कलकत्ता का पूरा वेस्ट बंगाल में वो लोग काम कर रहा है। वो लोग का हम इसका सूचना दिए, वो लोग भी अपने आप में सब मीटिंग करके ये सब तैयारियां कर रहे हैं। आगे सब हम लोग मिलेंगे। दया सागर जी हमसे बोले थे कि कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो हम बोले रहे उन लोगों को, उन लोग इस तैयारी में रहे हैं। तो आज आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं ये सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी आप लोगों में कोई परेशानी नहीं है ये सब सुनने में। तो ये देख के ये अच्छा लग रहा है कि एक दिन हम लोग ये हासिल करके रहेंगे। और एक बात साथ साथ में कहना है, समाज अगर पसपारी की तरफ नहीं आया, समाज अगर ऊपर की तरफ नहीं आया, तो हम लोग आंदोलन और कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को जो पेरेंटियल लोग इधर है, एक बात देखना है कि हम लोग चारों ओर से शिक्षित बने। बाबा साहब का ये बहुत जोर दिए थे बाबा साहब इसमें कि सब कोई शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब आगे जाके संघर्ष करो।